नमस्कार। आज बात मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में कैसे बदली देश की अर्थव्यवस्था की सूरत, आखिर टॉप 5 में जगह बनाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे का भविष्य कैसा है और अर्थव्यवस्था में विकास के आधार कुछ महत्वपूर्ण कदमों की भी करेंगे बात। तो दुनिया में 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारतीय अर्थव्यवस्था अब टॉप 5 का हिस्सा है। इसकी वजह है 2014 के बाद से मोदी सरकार में लगातार हो रहे आर्थिक सुधार, और अब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुकी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का मानक उस देश की जीडीपी होती है, और बीते 9 से 10 सालों में भारत की जीडीपी में तेज उछाल दर्ज किया गया है। 2014 से गति पाई भारतीय अर्थव्यवस्था को भी तब झटका लगा जब कोविड के दौर में दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की जा रही थी। भारत का जीडीपी कैसे बढ़ रहा है ये बताते हैं आपको। साल 2014 से 2023 के बीच भारत के जीडीपी में कुल 83% की बढ़त दर्ज की गई। करीब 9 साल की वृद्धि दर के मामले में भारत चीन से सिर्फ 1% नीचे रहा है, क्योंकि चीन की जीडीपी में 84% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं 9 सालों में अमेरिकी जीडीपी में बढ़त की दर 54% रही, लेकिन इन तीन अर्थव्यवस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो जीडीपी के लिहाज से शीर्ष 10 देशों में शामिल कुछ देशों की जीडीपी में बढ़त की दर कम हुई है या बढ़ी नहीं है। इस दौर में भारत 5 देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रहा है। इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की जीडीपी में बढ़त की दर क्रमशः 3, 2 और 1% रही। वहीं इटली की जीडीपी बढ़त दर में वृद्धि नहीं हुई। ब्राजील की जीडीपी में 15% का संकुचन देखा गया है। अब अर्थव्यवस्था बढ़ने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए आप। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने से आशय उसकी जीडीपी बढ़ने से है, और जीडीपी का मतलब उस देश में एक साल में तैयार किए गए माल और सेवाओं की कुल वैल्यू से है। उदाहरण के लिए अगर आप साल भर खेती करते हैं जिसका बाजार में मूल्य 10 लाख रुपए है, तो आपकी वार्षिक जीडीपी दर 10 लाख रुपए हुई। ऐसे में अगर आपकी वार्षिक जीडीपी 10% की दर से बढ़त होती है तो आपकी जीडीपी बढ़त दर 10% कही जाएगी। जीडीपी में बढ़ोतरी की वजह से कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने पर तरजीह देंगी। विदेशी कंपनियां भी उस देश में निवेश करेंगी जहां बढ़ोतरी हो रही है। इससे नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे। इससे धीरे धीरे समाज के आर्थिक रूप से शीर्ष वर्ग से मध्यम और निचले वर्ग तक लाभ पहुंचेगा। और अब मोदी सरकार के वो काम जो बन गए विकास का बड़ा आधार। पिछले 10 सालों में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 2 गुना हो गई, जबकि 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है भारत में। अब भारत सेमीकंडक्टर बनाने में भी समर्थ है, जो केवल चुनिंदा देश ही कर पाते थे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी तेजी से R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इस वक्त देश में 1,40,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप काम कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय पिछले 10 सालों में 5 गुना बढ़ा, तो अब करीब 111 लाख करोड़ से ज्यादा, आपको बता दें 11 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। एक रिपोर्ट की माने तो देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। जहां पूरे विश्व की इकोनॉमी कोविड महामारी में पस्त थी, वहीं भारत ने कोविड महामारी के कठिन दौर में अर्थव्यवस्था को बाहर निकालकर लाना बेहद चुनौती भरा था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक नजर आती है, और अगर इसी गति पर विकास दर दौड़ती रही तो जल्द ही इससे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में, या भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में वक्त नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही।